लेक्चर फोर सपोज्ड टू एस यू डबल पी ओ एस ई डी सपोज्ड टू टी ओ टू एस यू डबल पी ओ एस ई डी सपोज्ड टू का मतलब है उम्मीद की जाती है या उम्मीद की जाती थी। सपोज्ड टू का मतलब है उम्मीद की जाती है या उम्मीद की जाती थी। उम्मीद की जाती है या उम्मीद की जाती थी। क्लियर? रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस सपोज्ड टू और सपोज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वाज वर। तो कब इज एम आर लगाना है और कब वाज वर लगाना है? जब सेंटेंस में उम्मीद की जाती है का इस्तेमाल होगा, है उम्मीद की जाती है तो इज एम आर का इस्तेमाल होगा। और जब हम कहेंगे उम्मीद की जाती थी तो फिर हम वाज वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद की जाती है में इज एम आर कहां कहां आएगा? तो वो मेरे ख्याल से लेक्चर फर्स्ट में हमने सब क्लियर कर दिया था। वाज वर्ब में कहां वाज आएगा, कहां वर आएगा, वो लेक्चर वन में हमने क्लियर कर दिया था। ठीक है ना? तो एग्जांपल लिख ले। ठीक है, सचिन से उम्मीद की जाती है, सचिन से उम्मीद की जाती है कि वह क्रिकेट खेले। सचिन से उम्मीद की जाती है कि वह क्रिकेट खेले। सचिन से उम्मीद की जाती है कि वह क्रिकेट खेले। लिख लिया। इसकी इंग्लिश होगी सचिन इज सपोज्ड टू प्ले क्रिकेट। सचिन इज सपोज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब इसमें जो मैंने हिंदी में बताया था आपको कि सचिन से उम्मीद की जाती है कि वह क्रिकेट खेले, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे सचिन से उम्मीद की जाती है कि वह क्रिकेट खेले, तो की जगह पर काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो डैट लगा देते हैं और वह की जगह पर वो फिर से ही लगा देते हैं। कहते हैं सचिन इज सपोज टू दैट ही, इस तरीके से वो करके बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। सपोज टू के बाद ना दैट लगाना है, ना ही लगाना है, ना शी लगाना है। सपोज टू के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सपोज टू के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जो एग्जांपल मैंने लिखा है, सचिन से उम्मीद की जाती है कि वह क्रिकेट खेले, सचिन इज सपोज्ड टू प्ले क्रिकेट। इज दैट क्लियर? हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम पानी पिए। लिख लीजिए, हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम पानी पिए। हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम पानी पिए। हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम पानी पिए। वी वर सपोज्ड टू ड्रिंक वाटर। वी वर सपोज्ड टू ड्रिंक वाटर। यस, वी वर सपोज्ड टू ड्रिंक वाटर। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब बताएंगे आप, बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे उछलें। Children are supposed to jump. ठीक है? Children are supposed to jump. सचिन से उम्मीद की जाती थी कि वह पतंग उड़ाए। सचिन was supposed to fly kite. सचिन was supposed to fly kite. लता से उम्मीद की जाती है कि वह गीत गाए। लता इज सपोज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है?
हमसे उम्मीद की जाती थी कि हम कपड़े धोएं। We were supposed to wash clothes. क्लियर? अब काफी सारे लोग जो है वो supposed to की जगह पर expected to का इस्तेमाल करते हैं। काफी सारे लोग कुछ ऐसे हैं जो supposed to की जगह पर expected to का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तरीका भी ठीक है। आप supposed to की जगह पर expected to का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सचिन इज एक्सपेक्टेड टू लाफ, सचिन से उम्मीद की जाती है कि वह हंसे, सचिन इज एक्सपेक्टेड टू लाफ, लेकिन आप supposed to का ही इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड टू मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो आपको समझ में आ जाए, बट आपको इस्तेमाल supposed to ही करना है। Is that clear? Next, has to, have to. H-A-S has to, T-O-2. या फिर have to, H-A-V-E, have to. Has to, H-A-S has, T-O-2. या फिर have to, has to, have to. इसका मतलब है ना है, ने है, नी है, या पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ना है, ने है, नी है आता है, ना है, ने है, नी है, या पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, ठीक है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ना है, ने है, नी है, या पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, उन सेंटेंसेस में has to, have to का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए, अभी लिखना मत, ऐसी बता रहा हूं, जैसे हमें सोना है तो लास्ट में क्या आ रहा है, ना है। तुम्हें देखना है तो लास्ट में क्या आ रहा है, ना है, ठीक है ना। उसे कपड़े धोने हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, ने है, ठीक है ना। उसे कपड़े धोने हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, ने है, ठीक है ना। तुम्हें चलना है तो लास्ट में क्या है, ना है। तो और इसी तरह पढ़ता है, उसे सोचना पड़ता है तो लास्ट में पढ़ता है, तुम्हें देखना पड़ता है तो लास्ट में पढ़ता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें has to, have to का इस्तेमाल करना है। क्लियर? अब रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस has to या have to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस has to या have to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस has to या have to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहां has to आएगा, कहां have to आएगा। क्लियर? I, you, we, they या कोई प्लूरल, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, तो have to आएगा। I के साथ, you के साथ, we के साथ, they के साथ, या कोई प्लूरल means बहुवचन के साथ have to आएगा। क्लियर? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, बहुवचन के साथ have to आएगा। अब ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी सिंगुलर नेम के साथ has to आएगा। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या किसी सिंगुलर नेम के साथ has to आएगा। क्लियर? आ गया समझ में? मुझे घर जाना है, लिख लीजिए एग्जांपल। मुझे घर जाना है, यस, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम, आई हैव टू गो टू होम, यस, मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम। तुम्हें सोना है, तुम्हें सोना है, यस, तुम्हें सोना है, यू हैव टू स्लीप, यू हैव टू स्लीप। लिख लिया? एक एग्जांपल और लिखो। उसे सोचना पड़ता है, उसे सोचना पड़ता है, ही हैज टू थिंक, उसे सोचना पड़ता है, ही हैज टू थिंक। अब बताएंगे आप लोग, हमें पतंग उड़ानी पड़ती है, we have to fly kite,
तुम्हें संदेश भेजना पड़ता है. You have to send message. उसे पत्र लिखना है. He has to write a letter. सचिन को पानी पीना है. सचिन has to drink water. मुझे गीत गाना है. I have to sing a song. Next है. अच्छा इसमें जो ना है मैंने बताया है. ना है, ने है, नी है. केवल ना है, ने है, नी है की बात करूंगा. पढ़ता है के लिए बात नहीं कर रहा हूँ. केवल ना है, ने है, नी है के लिए कुछ लोग has to, have to की जगह पर is to, am to, are to का भी इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? केवल ना है, ने है, नी है की बात करूंगा. पढ़ता है के लिए नहीं. ना है, ने है, नी है के लिए कुछ लोग has to, have to की जगह पर is to, am to, are to का भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे वो भी ठीक है. जैसे मुझे घर जाना है. I am to go to home. उसे फिल्म देखनी है. He is to watch movie. बच्चों को क्रिकेट खेलना है. Children are to play cricket. तो कुछ लोग इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं. वो तरीका भी ठीक है. आप लोग has to, have to का ही इस्तेमाल करें. ये मैंने इसलिए बताया कोई दूसरा आपके सामने इस्तेमाल करे is to, am to, are to का तो आपको समझ में आ जाए कि ये सामने वाला क्या कहना चाहता है. या कहीं लिखा हुआ आप देख लें तो आपको समझ में आ जाए कि इसका लिखे हुए का मतलब क्या है. क्लियर? नेक्स्ट टूल आप लिखेंगे had to. H-A-D, had to, T-O-2. Had to. पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, पढ़ता था, पढ़ते थे, पढ़ती थी, या फिर ना था, ने थे, नी थी, या फिर ना था, ने थे, नी थी, ना था, ने थे, नी थी. एग्जाम्पल अभी बोल रहा हूं, लिखिएगा. पहला क्या बताया मैंने? पढ़ता था. हाँ, जैसे सचिन को घर जाना पड़ता था. हमें सोचना पड़ता था. उसे देखना पड़ता था. ठीक है? या दूसरा क्या बताया मैंने? पड़ा. हमें सोचना पड़ा. तुम्हें घर जाना पड़ा. उसे देखना पड़ा. और ना था, तुम्हें घर जाना था. मुझे सोचना था. उसे क्रिकेट खेलना था. इस तरह के लिए had to का इस्तेमाल करेंगे. रूल लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस had to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस had to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस had to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लिख लिया? एग्जांपल लिखें. सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ता था. यस, लिख लीजिए. सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ता था. सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ता था. सचिन हैड टू प्ले क्रिकेट. सचिन हैड टू प्ले क्रिकेट. लिख लिया? सचिन हैड टू प्ले क्रिकेट. हमें घर जाना था. हमें घर जाना था. यस, हमें घर जाना था. वी हैड टू गो टू होम. वी हैड टू गो टू होम. तुम्हें संदेश भेजना पड़ा. तुम्हें संदेश भेजना पड़ा. यू हैड टू सेंड मैसेज. यू हैड टू सेंड मैसेज. यस, तुम्हें संदेश भेजना पड़ा. यू हैड टू सेंड मैसेज. क्लियर? अब बोलिएगा. हमें सोचना था. वी हैड टू थिंक. तुम्हें क्रिकेट खेलना था. यू हैड टू प्ले क्रिकेट. उसे घर जाना पड़ा. ही हैड टू गो टू होम. लता को गीत गाना पड़ा. लता हैड टू सिंग अ सॉन्ग. क्लियर? इस तरह की चीजें हो गई. अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ना था, ने थे, नी थी के लिए. केवल ना था, ने थे, नी थी.
कुछ लोग नाथा ने थे नीथि के लिए वॉज टू वर टू का इस्तेमाल करते हैं हैड टू की जगह पर. कुछ लोग नाथा ने थे नीथि के लिए वॉज टू वर टू का इस्तेमाल करते हैं हैड टू की जगह पर. वह भी सही है. जैसे उसे घर जाना था ही वॉज टू गो टू होम. उसे घर जाना था ही वॉज टू गो टू होम. तुम्हें क्रिकेट खेलना था यू वर टू प्ले क्रिकेट. तो ये तरीका भी ठीक है. आप लोग हैड टू का ही इस्तेमाल कीजिए. ये बताया इसलिए कि बाकी कोई सामने वाला इस्तेमाल करे तो आपको पता चल जाए कि ये क्या कहने वाला है या ये क्या कहना चाहता है. क्लियर? पढ़ा है के लिए एक और लिख लीजिए. पढ़ा है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में पढ़ा है आएगा वहां पे आप क्या कहेंगे. जैसे मुझे घर जाना पड़ा है, तुम्हें सोचना पड़ा है. ठीक है ना? पड़ा है लिख लीजिए. पढ़ा है, पढ़ा है का रूल लिख लीजिए. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हैड टू. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पढ़ा है के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लिख लिया? Yes, sir. सबने एग्जाम्पल लिख लो. सचिन को पत्र लिखना पड़ा है. सचिन को पत्र लिखना पड़ा है. सचिन हैज हैड टू राइट अ लेटर. सचिन हैज हैड टू राइट अ लेटर. सचिन को पत्र लिखना पड़ा है. सचिन हैज हैड टू राइट अ लेटर. हमें संदेश भेजना पड़ा है. हमें संदेश भेजना पड़ा है. वी हैव हैड टू सेंड अ मैसेज. वी हैव हैड टू सेंड अ मैसेज. क्लियर? एक रूल और लिखेंगे. क्लियर? एक रूल और लिखेंगे फिर आज का लेक्चर बंद. मे हैव टू. एम ए वाई मे हैव एच ए बी ई हैव टू टी ओ टू. मे हैव टू. मे हैव टू का मतलब पढ़ सकता है. मे हैव टू. मे हैव टू मीन्स पढ़ सकता है. सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? दो एग्जांपल लिख लें. सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ सकता है. सचिन मे हैव टू प्ले क्रिकेट. यस, लिख लीजिए, राइट डाउन. सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ सकता है. यस, सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ सकता है. सचिन मे हैव टू प्ले क्रिकेट. सचिन मे हैव टू प्ले क्रिकेट. सचिन मे हैव टू प्ले क्रिकेट. तुम्हें देखना पड़ सकता है. यू मे हैव टू सी. यू मे हैव टू सी. यू मे हैव टू सी. क्लियर? आज का लेक्चर यहीं पे बंद करेंगे. सारा सारा एक एक लेक्चर याद करते रहिए. ठीक है ना? एक एक लेक्चर याद करते रहिए. अगला लेक्चर पे जाने से पहले पुराने सारे लेक्चर अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए. उसके बाद अगले लेक्चर पे जाएंगे तो धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी. कब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. क्लियर? बता देंगे, बता देंगे. लेकिन जितना जिस दिन कराऊंगा उतना उस दिन याद करते रहेंगे. वर्ड मीनिंग्स बताऊंगा तो वर्ड मीनिंग्स याद कर लीजिए. जितना जिस दिन बताऊं उतना उस दिन याद करते रहिएगा. और जिस दिन प्रैक्टिस हो उसको प्रैक्टिस भी करनी है. ये नहीं कि आज तो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है तो आज का लेक्चर नहीं देखना. अगर कि आज कोई नया रूल तो हो नहीं रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस है.
अगर प्रैक्टिस है तो भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ चलते रहिए। कब इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। ऑलराइट ग्रामर सर, ग्रामर का एग्जाम देखो तो फुल्ली ग्रामर।